नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं साथियों लेक्चर नंबर 41 में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 साथियों। आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं साथियों, चैप्टर 6.3 साथियों। ठीक है साथियों, आइए अब हम और आप लोग इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, हमने जो हमारे इनइक्वालिटी दी थी, हमने इसको क्या कर लिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया साथियों। क्या कर लिया, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद साथियों हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकाल दिए हमने। ठीक साथियों, हमने क्या किया, एक्स जीरो रखा, वाई की वैल्यू 6 आ गई, वाई जीरो रखा, एक्स वैल्यू 3 आ गई। सेकंड हमने यही किया है, एक्स जीरो रखा, वाई की वैल्यू 3, वाई जीरो रखा, एक्स वैल्यू 4। ठीक है साथियों, आइए अब हम इसे ग्राफ में करके सेट करते हैं। चलो हम क्या करें, ग्राफ बनाएंगे हमारा क्या साथियों, ग्राफ 1 2, एक्स वैल्यू अधिकतम क्या साथियों 6 ही गई है, 4 5 6, हम 7 तक बना देते हैं और क्या। ठीक है साथियों, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है साथियों। अब देखते हैं हमें एक्स वैल्यू अधिकतम क्या है साथियों, 4 दी गई है। हम देख बनाते हैं इसको, क्या करते हैं बनाएंगे हम 1 2 3 4 5। ठीक है साथियों, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा एक्स है और ये वाई साथियों। साथियों अब देखिए, पहले हम पुट करते हैं x0 y6, ये आ गया साथियों। पॉइंट के नाम जरूर दीजिएगा, x0 है, y6 है यहाँ पर, और हमारा अगला क्या है, 0 और 3। क्या 0 और 3, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं 0, 3 साथियों। फिर साथियों 3, 0 होगा, फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, एक्स की होती है 3, 0। अब दोनों को ज्वाइंट कर देंगे साथियों, देखिए हमारा क्या होगा, ज्वाइंट हो जाता है साथियों। क्या होगा साथियों, ज्वाइंट हो गया है। अब अगला देखते हैं हम, 0, 3 दिया गया है, 0, 3, वाई हमारा 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा। और अगला क्या दिया है, 0, 4, ये 0, 4 आ गया हमारा, 0, 4 साथियों। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, हम नाम को क्या करेंगे, कहीं और शिफ्ट कर देंगे। क्या करना साथियों, कहीं और शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे नाम को इधर ले आते हैं, क्या नाम है हमारा, 0, 3, 0। अब इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे साथियों, देखिए ये ज्वाइंट हो गया साथियों। आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा साथियों, दोनों के नाम लिख दीजिएगा। और ये लाइन कौन सी साथियों, लाइन दी गई है वहां पर, देखिए 6 और 3 ये वाला है। ये लाइन का नाम क्या है साथियों, लाइन का नाम है 2x + y = 6। साथियों आप लाइन के नाम और पॉइंट के नाम जरूर बताइए, क्योंकि हमें और आपको पता है, पर एग्जाम में टीचर को पता नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलिए हम आप अच्छे से बता गया हमने कहाँ पर क्या रखा है। और इस लाइन का नाम साथियों क्या है, देखिए इस लाइन का नाम हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लाइन का नाम क्या है साथियों। यहाँ पर देखिए 3x + 4y = 12। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये नाम है साथियों। साथियों अब देखते हैं हम किस तरफ सेट करेंगे, क्या करेंगे, किस तरफ सेट करेंगे। आइए साथियों देखते हैं, पकड़ क्या करेंगे, 0, 0 रखेंगे साथियों। क्या है 0, 0 साथियों, क्या साथियों 0, 0 साथियों। आइए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं साथियों। देखिए क्या 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 है, पुट 0, 0 इन बोथ द गिवन इन इक्वेशन एंड डिटरमाइन इफ 0, 0 सेटिस्फाइज गिवन इन इक्वेशन साथियों, इन इक्वेशन साथियों। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे, दोनों किस्म में 0 साथियों, इसमें जो रखेंगे होगा 0 × 0 करेंगे क्या साथियों, क्या हो जाएगा 0 × 0 = 2 में करेंगे, क्या होगा 0 + 0 करेंगे। ये साथियों फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्या है 0 साथियों, बड़ा है क्या साथियों, ये फॉल्स हो जाएगा, क्या ये फॉल्स, क्या साथियों फॉल्स है ये। अब अगला साथियों देखते हैं दूसरा क्या क्या कर रहा है, 3x होगा 0 का, क्या 0 हो गया, 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या कह रहा है 0 साथियों, बड़ा है क्या 12 से, साथियों क्या है बड़ा है, ट्रू साथियों, क्या साथियों ट्रू है साथियों। अब साथियों जो हमारा ये वाली क्वेश्चन थी, सिक्स वाली, फर्स्ट वाली क्वेश्चन थी, क्या फॉल्स है, फॉल्स मतलब ये 0, 0 हमने साइड लिया था, उसके अपोजिट साइड हम सेट करेंगे, किस तरह सेट करेंगे इस तरह सेट करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, अब देखते हैं अगला क्या हमारा ट्रू है, तो ये ट्रू वाली क्वेश्चन को इस तरफ सेट करेंगे, किस तरफ इसको सॉल्व करेंगे साथियों। देखिए अगर इस तरफ करेंगे साथियों, इसमें कॉमन पॉइंट कहाँ मिल रहा है साथियों, देखिए आप अब ध्यान से गौर करिए, किसको कॉमन पॉइंट साथियों कहाँ मिलेगा, यहाँ पे साथियों क्या ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा साथियों। देखिए क्या ये कॉमन पॉइंट होगा, नहीं उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कॉमन पॉइंट सिर्फ यहाँ पर होगा। ठीक है साथियों, क्या कॉमन पॉइंट हमने सेट कर दिया साथियों, व्हाइट बोर्ड में क्या पूरी किस पिच हो गई साथियों। ठीक है ना, आप इसको ग्राफ को भी अच्छे से प्रॉपर बनाएंगे साथियों। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 3 साथियों कंप्लीट होता है। अब हम और आप मिलेंगे अगले लेक्चर में और कुछ नया सीखेंगे साथियों, तब तक साथियों धन्यवाद। साथियों जो हमारा लेक्चर पहली बार देख रहा हो, जो ये प्लेलिस्ट में चेक करिए, हमने सारी सीरीज अपलोड की साथियों, तब तक साथियों धन्यवाद।